हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ बच्चों का फेवरेट चीज़लिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे आप चीज़ बाइट भी कह सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, ये स्नैक से सबको बहुत पसंद आता है। आप इसे एनी टाइम खा सकते हैं, चाहे टी टाइम हो, ब्रेकफास्ट, जर्नी या फिर लंच बॉक्स में भी आप इसे ले जा सकते हैं। और देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। चीज़लिंग बनाने के लिए बाउल में एक कप मैदा लेंगे। इसमें हम चीज़ डालेंगे। तो ये मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है और ये अमूल का लिया है मैंने, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसमें हम 2 बड़े चम्मच बटर डालेंगे। ये सॉल्टेड बटर लिया है मैंने, ये मेरा होममेड बटर है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर की है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि बटर में भी नमक है तो इसलिए हमने 1/2 चम्मच डाला है। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें सोडा भी डालते हैं, लेकिन मैं सोडा नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें 1 चुटकी सोडा डाल दें, इससे ये बहुत अच्छे फूलेंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध मैंने 1/4 कप लिया है और एकदम चिल्ड दूध लिया है। इसका हम टाइट डो लगाएंगे। ये मैंने 1/4 कप से भी 1 चम्मच जितना दूध बचा लिया है, मतलब मुझे इसमें 3 चम्मच दूध लगा है। ये मैंने टाइट डो लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पतला सा कपड़ा लेंगे, उसे हल्का गीला कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे इस तरह से, और 15 मिनट के लिए हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए डो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसका एक बड़ा पेड़ा बना लेंगे। ये मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब हम चाकू की मदद से इसे 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से टक करते हुए इसका हम छोटा पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और बाकी के भी हम इस तरह से पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये चारों पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और बाकी के जो 3 हैं उसे हम वापस से इस तरह से कवर करके रख देंगे। पेड़े को हम हल्का सा ड्राई मैदे में डस्ट करेंगे और रोलर की मदद से हम इसकी पतली सी शीट बना लेंगे। ये देखिए मैंने इतनी पतली शीट बनाई है, आपको बहुत ज़्यादा मोटी से नहीं रखना है। अब हम चाकू या इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप कट कर लेंगे। आप जितना बड़ा साइज़ चाहते हैं आप उतना बड़ा साइज़ में इसे कट कर सकते हैं। इस साइड से भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे, मतलब हमें इसे स्क्वायर शेप में काटना है। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। एक बाइट डाल के देखते हैं, देखिए तुरंत ऊपर आ रहा है। तो अब हम इसमें सारे बाइट्स डाल देंगे। और गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और तेल भी हमें मीडियम ही गर्म रखना है। तो इसे हम कंटिन्यू इस तरह से हिलाते रहेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। आप इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे तो देखिए इसका एक जैसा कलर आएगा।
ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बने हैं, ये देखिए। इसे हम एयरटाइट कंटेनर में पैक कर देंगे।